Good morning. In Max, today we are going to start with our new chapter, that is chapter number 13, Measurement of Capacity. Yes, इससे पहले हमने देखा था Measurement of Weight, Measurement of Length, right? So, आज हम new chapter start करेंगे, that is Measurement of Capacity. This chapter is from textbook, page number 130. Prachi is celebrating her birthday and has invited her friends. She serves a glass of cold drinks to all the friends. Okay, क्या बोल रहा है कि प्राची जो है वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, उसने अपने सभी फ्रेंड्स को इनवाइट कर रखा है. She serves a glass of cold drink to all friends. अपने सारे फ्रेंड्स को कोल्ड ड्रिंक दे रही हैं. राइट, जैसे हमारा बर्थडे होता है तो हम फ्रेंड्स को कोल्ड ड्रिंक पेस्ट्रीज देते हैं, वैसे ही सेम प्राची अपने फ्रेंड्स को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही है. Prachi uses two big bottle of cold drink and which she pours into 15 glasses. अच्छा, अब उसने दो बोतल कोल्ड ड्रिंक के मंगवा रखे हैं 15 ग्लासेस को पोर यानी कि फिल करने के लिए. सम कोल्ड ड्रिंक इज लेफ्ट, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक जो है वो बच गया. बॉटल एंड ग्लासेस आर डिफरेंट साइज. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि साइज जो है बॉटल की और ग्लासेस की दोनों ही डिफरेंट है. सो वी कैन नॉट स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक सर्व एज अ बॉटल एंड ग्लास आर नॉट स्टैंडर्ड. सो हम ऐसे बोल नहीं सकते कि दोनों की क्वांटिटी जो है वो स्टैंडर्ड है. नॉन स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड. कोई भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है लिक्विड को मेजर करने की. दस देयर इज अ नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी. इसीलिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए कैपेसिटी को मेजर करने के लिए. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ अ लिक्विड इज लीटर. कोई भी चीज़ कैपेसिटी को मेजर करनी हो तो उसके लिए किस चीज़ का यूज़ होता है? लीटर का. हावेवर स्मॉलर क्वांटिटीज़ ऑफ लिक्विड आर मेजर इन मिलीलीटर्स. और जो स्मॉलर क्वांटिटी होती है लीटर की उसको हम किस चीज़ में मेजर करते हैं? यस, मिलीलीटर में. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. अच्छा, अब मैं बोलूँ कि 1 लीटर, मुझे कोई भी चीज़ 1 लीटर में चाहिए तो उसके अंदर कितने मिलीलीटर प्रेजेंट हैं? 1000. सो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स. वी राइट एल फॉर लीटर्स एंड एम एल फॉर मिलीलीटर्स. ओके, अब हम जब भी लीटर का यूज़ करेंगे तो उसके लिए सब जगह लीटर एल आई टी आर ई एस नहीं लिखेंगे, उसकी जगह शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे एल. लीटर की जगह क्या यूज़ होगा? एल. और मिलीलीटर का शॉर्ट फॉर्म क्या यूज़ होगा? एम एल. यस, मूविंग फर्दर. कॉमनली यूज्ड कंटेनर फॉर मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ लीटर्स आर एस फॉलो. अच्छा अब जो कॉमनली लीटर को मेजर करने के लिए क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो कंटेनर चाहिए वो ये सब है. 1 लीटर यानी कि ये देखो बिग कंटेनर है. 500 ml यानी कि छोटा, देखो छोटा है कंटेनर. 200 ml यानी उससे छोटा, ये छोटे से कंटेनर में आ जाएगा. 50 ml यानी इससे भी छोटा, एकदम थोड़ा सा यानी कि ये वाला कंटेनर यूज़ होगा. यस, मूविंग फर्दर. कन्वर्जन ऑफ यूनिट. अब हमें क्या देखना है? कन्वर्जन यूनिट का. क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्जन ऑफ लीटर इंटू एम एल. अच्छा, अभी मुझे लीटर को एम एल यानी कि मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे होगा? तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. राइट, सो हमारे पास कितने हैं? 9 लीटर हैं. तो उसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँगी? सो 9 × 1000 इज इक्वल टू 9×1=9. सो आवर आंसर इज 9000 ml. यस, नंबर बी, 5 लीटर एंड 300 ml. सो हाउ वी मेजर? 5 × 1000 प्लस 300. ये हमने प्लस क्यों किया? क्योंकि ये डिजिट जो है वो ऑलरेडी हमें मिलीलीटर में दी गई है,
ये हमें लीटर में दी गई थी, इसीलिए हमने इसको ml में कन्वर्ट किया. सो 5000 प्लस 300 ml, सो आवर आंसर इज 5300 ml. यस, टू कन्वर्ट लीटर इंटू मिली लीटर वी मल्टीप्लाई बाय 1000. टू कन्वर्ट मिली लीटर इंटू लीटर वी राइट द नंबर ऑफ मिली लीटर इज द मल्टीप्लाई ऑफ 1000. ओके, दोनों को ही मेजर करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है 1000 से, राइट? यस, लेट्स स्टार्ट विथ अवर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज वन, दिस एक्सरसाइज इज फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 132. क्वेश्चन नंबर वन, चेंज इनटू मिलीलीटर. ओके, अभी हमें किस चीज़ में चेंज करना है? मिलीलीटर में चेंज. यस, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे. यस, 1 liter इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स. सो अभी हमें देखो मिलीलीटर्स चेंज इनटू मिलीलीटर्स है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर क्वेश्चन नंबर ए. क्या दिया हुआ है? यस, 7 liter इज इक्वल टू डैश मिलीलीटर. सो सिंपल 7 × 1000. सो आवर आंसर इज 7 × 1 = 7 1 2 3 1 2 3. सो आवर आंसर इज 7000 milliliter. सेम 9 liter दिया गया है और हमें उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है. सो 9 × 1000 आवर आंसर इज 9000, राइट? यस, मूविंग फर्दर, अब हमें देखो क्या करना है. 4 liter और 750 milliliter इज इक्वल टू डैश मिलीलीटर. सो सेम वे 4 × 1000. सो आवर आंसर इज 4000 एंड 750 ml, वो हमें ऑलरेडी दिया गया है तो वो 750 हम इसमें ऐड कर देंगे, राइट? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4750. यस, मूविंग फर्दर, नंबर डी, 6 liter 265 milliliter इज इक्वल टू डैश मिलीलीटर. सेम वे 6 liter मल्टीप्लाई बाय 1000. सो आवर आंसर इज 6000 प्लस 265. सो आवर आंसर इज 6265 milliliter. यस, मूविंग फर्दर, नंबर ई, 5 liter एंड 175 milliliter. सो आवर आंसर इज 5175 milliliter. नंबर एफ, 8 liter 750 milliliter. सो आवर आंसर इज 8750 milliliter. नंबर जी, 3 liter 330 milliliter इज इक्वल टू डैश मिलीलीटर. आवर आंसर इज 3330 milliliter. नंबर एच, 4 liter 404 milliliter. सो आवर आंसर इज 4404 milliliter. नंबर आई 8 liter 210 milliliter. सो आवर आंसर इज 8210 milliliter. नंबर जी, 9 liter 20 milliliter इज इक्वल टू डैश मिलीलीटर. 9 liter एंड कितना दिया हुआ है हमारे पास? 20. सो 9020 milliliter. यस, मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर टू, कन्वर्ट लीटर इंटू मिलीलीटर. ओके, अब हमें कन्वर्ट करना है लीटर को मिलीलीटर में, राइट? सो सेम मल्टीप्लीकेशन था 1000 से. सो 1 × 10 = 100 and 1000 सिंपली हमें करना हो. सो 3 liter 540 milliliter, राइट? ये शॉर्ट वे है अगर ऐसे नहीं करना हो. यस, अनदर मेथड ये है, देखो नंबर बी क्या दिया हुआ है, 4338 milliliter. उसको किस में कन्वर्ट करना है? लीटर में भी और मिलीलीटर में भी. सो सिंपल है, 4 × 1000
इज इक्वल टू 4000 और जो रिमेनिंग है वो मिलीलीटर यानी कि 4 लीटर 338 मिलीलीटर। सेम वे 7 लीटर 878 मिलीलीटर 1 लीटर एंड 5 मिलीलीटर। यस मूविंग फर्दर 6 लीटर 556 मिलीलीटर 2 लीटर 222 मिलीलीटर 9 लीटर 356 मिलीलीटर 3 लीटर 477 मिलीलीटर 6 लीटर 412 मिलीलीटर 3 लीटर एंड 93 मिलीलीटर। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस एक्सरसाइज नंबर 1। थैंक यू।